बच्चों बीबी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का देखिए हल करें 5.4 का समाधान करेंगे। इससे पहले देखिए आप लोग 5.3, 5.2, 5 जितना भी है सारा का सारा मैं समाधान कर चुका हूं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर के वहां पे देख करके प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं तो पहला नंबर में है देखिए क्या कि एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2 8 इस समीकरण को के एक्स को वाई के रूप में प्रकट करो। एक्स को क्या करना है, वाई के रूप में प्रकट करना है। तो साधारण सा बात है, खाली एक्स का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ऐसा रहे तो एक नंबर देखिए क्या है लिखा हुआ, पेज नंबर है एक्स बट्टा 3 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर 8 है ना। तो x के रूप में लिखना है कहीं ना कहीं, है ना, x को y के रूप में प्रकट करना है, x को y के रूप में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि y को उस तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो x बट्टा 3 बराबर 8 माइनस y बट्टा 2 हो गया। अब लॉस ले लीजिए तो x बट्टा 3 लॉस लीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 16 माइनस वाई, ठीक है। अब 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे डायरेक्ट कोना कोने बटा में लिख सकते हैं एक्स बराबर, ये देखिए बराबर, देखिए ऊपर चला जाएगा तो 8 × 3 इसे खाली ऊपर से गुना कर देंगे 8 × 3 = 24 और ये 8 × 3 = 24 माइनस 3 वाई, ठीक है, बट्टा 2 यही आपका 8 × 16 होता तो ये 16 × 48 तो 48 ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है दूसरा नंबर में लिखा है 2x प्लस 7y 1 को इस प्रकार इस समीकरण को y को x के रूप में प्रकट करना है। y को क्या करना है, अब x के रूप में प्रकट करना है। अब क्या y का कहीं ना कहीं मान निकाल देंगे तो बस हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे कि समीकरण है यहां पे देख लेते हैं दो नंबर, ये देखिए 2x प्लस 7y बराबर 1 तो y का मान निकालना है तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे 7y, ठीक है, बराबर 1 × 2x। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7y देखिए x तो यहां गुना करेंगे तो x माइनस 2, ठीक है। अब इसको इधर से गुना कर देंगे, है ना, इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। हालांकि y का मान निकालना है तो y का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुना कैसे हो जाएगा, देखिए इधर ये देखिए डायरेक्ट y x माइनस 2 और ये 7x तो y बराबर 7x बट्टा x माइनस 2 यही हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या, तीन नंबर कि निम्न समीकरण को तुलनात्मक पद्धति से हल करें और देखें कि ये हल समीकरण को संतुष्ट करते हैं कि नहीं, संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। जब भी जवाब होगा तो इसका देखिए हल करके कर दीजिए, अगर मान निकल जाए तो ठीक है और नहीं निकलेगा तो वो चेक कर देंगे संतुष्टि के लिए, उसको मान बैठा करके चेक करेंगे। अगर जब मान बैठ गया दोनों के बराबर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो संतुष्ट नहीं है लिखेंगे। देख लीजिए पहले तुलनात्मक पद्धति द्वारा बनाएंगे, पहले देखिए ये 1, 3 का ए नंबर, ये क्या है कि 2x - y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए ये तो एक नंबर समीकरण हो गया, अब दो नंबर समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 8y बराबर 14, ये दो नंबर समीकरण हो गया। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब एक नंबर समीकरण का हल कीजिए तो हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 2x - 2y बराबर 3 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरफ लेके जाए तो क्या जाएगा, देखिए 2x बराबर 3 प्लस 2y,
एक्स बराबर 3 + 2y / 2, यह 3 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है ये समीकरण का हल एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, तब तुलना करेंगे। देखिए ये 2 नंबर है, तो ये तो लिखा हुआ है 5x + 8y = 14। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 5x = 14 - 8y, x = 14 - 8y / 5, ये 4 नंबर समीकरण हो गया। ये कितना हो गया, 4 नंबर समीकरण। तो लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों का तुलना करेंगे तो 3 और 4 समीकरण देखिए में तुलना करने पर हो गया। अब तुलना देखिए इसमें और इसमें तुलना करेंगे तो कर दीजिए तुलना, 3 + 2y / 2 = 14 - 8y / 5, कोना कोनी गुना, तो देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 * 3 = 15 + 5 * 2 = 10y, 14 * 2 = 28 - 8 = 16y। अब y वाला को एक तरफ और ये जो संख्या वाला को एक तरफ, तो 10y + 16y 28 - 15 कटा दीजिए, ये दोनों का जोड़िएगा तो 26, ये दोनों घटाइएगा तो कितना होगा 13, y बराबर 13/26, 13 × 26 1/y बराबर 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में लिख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। देखिए अब देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर है ये 3 + 2, ये है 1/2 / 2, ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, जोड़ दीजिए तो 4 / 2 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, x = 2 y = 1/2 निकल गया। अब देखिए ये तो हल निकल गया, अब क्या करेंगे, मान बैठा के चेक करते। देखिए सबसे पहले एक में बैठाने से हो जाएगा, एक नंबर और दो नंबर में बैठाएंगे। देखिए जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, यहां देखिए इतना इसमें मान बैठा दीजिए, ये 3 के बराबर है कि नहीं, यही ना LHS RHS है ना। अब देखिए अगर एक नंबर में LHS बैठाते हैं, एक नंबर ये है समीकरण, देखिए ये 2 यहां पे लिख देते हैं LHS, ठीक है, तो एक इसका x का मान कितना आया 2 - 1/2, यही ना। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 2 - 4 - 1 तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए तो 2 × 3/2 कट गया, ये 3, तो देखिए LHS ये RHS है, ठीक है RHS, ये एक नंबर समीकरण। अब दो नंबर समीकरण में देखते हैं, दो नंबर समीकरण में भी चेक करना पड़ेगा इसे ही, दो नंबर समीकरण में देखिए क्या है, ये है ना 2 × 2 + 3, देखिए y का मान क्या है देख लीजिए डायरेक्ट 1/2 बराबर, ये तो निकालना है, देखिए 4, आज क्या करेंगे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये वाला इसमें बैठा दिया, तो हम लोग इसमें बैठाना चाहिए था 5 × 2 + 1
हाँ ये एट है, एट वन बटा टू काट दीजिए, चार और ये पांच दुने दस, 10 प्लस 4 तो 14, ये तो 14 है ही, 14 तो ये क्या हो जाएगा, आर एच एस, ये एल एच एस था, एल एच एस बराबर आर एच एस, इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर भी, बी नंबर भी ऐसे ही समाधान करेंगे। बी नंबर देखिए, 2x+3/y बराबर 1, 5, एक नंबर समीकरण, ठीक है। यहीं पे दो नंबर समीकरण लिख लेते हैं, दो नंबर समीकरण क्या हो जाएगा देखिए, 5x-2y बराबर 3। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक का मान निकाल लीजिए, पहले देखिए क्या करेंगे, ये देखिए इसको इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, x का मान ही निकाल, x का मान ही निकाल देते तो ताकि अच्छा रहेगा, है ना, तब तुलना कर देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2x-5-3/y, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम लोग लॉस वाले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x/y, ठीक है, तो 5y-3। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5y-3 और 2y, तो ये हो गया तीन नंबर समीकरण। अब देखिए यहां पे 5x+3+2y, अब इसका देखिए 5x/y तो 3y, ये क्या हो जाएगा, 3y+2, तो x=3y+2/5y, है ना। अब यहां पे एक चीज देख सकते हैं आप लोग कि अब करेंगे तीन नंबर और चार नंबर समीकरण में तुलना करने पर, करने पर, तुलना करने पर, अब देखिए तुलना करते हैं हम, तो 5y-3/2y बराबर, देखिए 3y+2/5y, है ना। अब गुना कर दीजिए तो 25, 25y² और ये माइनस 5 15y बराबर, ये देखिए 3 × 6, 3 × 6, देखिए यहां पे ये ना करके यहां पे वाई वाई काट देते हैं, ठीक है। अब वाई वाई कट जाएगा तब देखिए क्या बचेगा, यहां पे डायरेक्ट गुना कर देंगे, 25, 25y-15 और ये 3 × 6y+2 × 4, अब देखिए 25y-6y और ये 4+15, है ना, 4+15 अब देखिए तो ये कितना हो गया, ये देखिए 19, 19y=19, तो y=19/19, तो ये 19 कट गया, तो y का मान 1 आ गया। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, y का मान बैठा देंगे, y का मान समीकरण 3 में
रखने पर, तीन में रखने पर। अब देखिए x बराबर देखिए 5 × 1 − 3 और ये 2 × 1, x बराबर 5 − 3 = 2, x बराबर 2/2 = 1, x बराबर 1, y बराबर 1, कंप्लीट। अब देखिए ये तो मान निकल गया, अब क्या करेंगे इसका प्रमाणित करने, तो प्रमाणित करेंगे देखिए नंबर एक समीकरण का, एक का एल एच एस क्या है, देखिए यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 2x + 3y, मान उठा दीजिए, तो 1 का मान कितना 1 और y का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा देखिए 2 + 3 = 5 RHS। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर समीकरण में एल एच एस क्या है 5x − 2/y। अब देखिए 5 × 1 − 2/1, तो कितना हो जाएगा 5 में 2 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3, ये भी हो गया और एच एस ये संतुष्ट है, क्या है बराबर है। अब देखिए तीन नंबर समीकरण, अब तीन वाला कितना सी नंबर सवाल, सी नंबर सवाल को देखते करते हैं। देखिए देखिए x + y / 2/3 = 1 और यहां पे x + 3 + y / 2 = 1, यही ना। अब देखिए तो 6 लॉसम तो 3x + 2y = 1, तो 3x + 2y = 6, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए यहां पे 3x = 6 − 2y × 6 − 2y/3, ये हो गया एक नंबर समीकरण है और ये दो नंबर समीकरण, तो ये तीन नंबर समीकरण। अब देखिए इसमें तो लॉस कितना होगा 6, तो 2x + 3y = 1, तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = 6, तो इसको लिख सकते हैं क्या देखिए 2x = 3y, ये हो गया। अब देखिए x = 6 − 3y / 2, ये हो गया 4 नंबर समीकरण, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण में तुलना करने पर अब देखिए तुलना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 − 2y और ये 3 = ये देखिए 6 − 3y / 2, पुनः को नहीं गुना, तो 6 × 12 − 2 × 4y, 6 × 18 − 3 = 9y, देखिए −4y, तो इसको भी लेके आएंगे देखिए कितना +9y और ये 18, तो −12। अब देखिए घटा लीजिए 5y = 6, तो y = 6/5, ये हो गया y = 6/5, y का मान कितना आ गया 6/5। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिख देंगे यहां पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देते हैं भाई। अब देखिए x = देखिए 6 − 2 × 6/5 / 3, यही ना। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया
गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 6 माइनस 12 बाय 5 है ना। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये देखिए 3 तो एक्स बराबर 5 56 30 माइनस 12 बट्टा 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर ये देखिए 18 तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 6 तो 6 बट्टा 5 ये हो गया एक्स का मान, ये एक्स का मान आ गया। अब देखिए 6 बट्टा 5 दोनों का मान एक ही आया है, 6 बट्टा 5 6 बट्टा 5। तो अब देखिए नंबर एक में ये रखते हैं एल एच एस 6 बट्टा 5 तो 6 बट्टा 5 बट्टा 2 जोर 6 बट्टा 5 बट्टा 3 आना चाहिए कितना, 1 है ना। देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 1 और यहां पे भी 1 डाल देते, पलट देते कितना हो जाएगा, 6 बट्टा 5 गुने 2 प्लस 6 बट्टा 5 गुने 3 3 और ये कितना हो गया 2। अब देखिए 3 बट्टा 5 प्लस 2 बट्टा 5 दोनों को जोड़ दीजिए लॉस हो लीजिए, 5 3 प्लस 2 तो कितना हो गया 1। तो ये आर एच एस। अब देखिए ये दो नंबर समीकरण का, दो नंबर समीकरण में भी सेम करेंगे। देखिए क्या है तो 6 बट्टा 5 बट्टा 3 प्लस 6 बट्टा 5 बट्टा 2 ये एल एच एस ठीक है, पलट देखे तो क्या होगा, 6 बट्टा 5 इंटू 3 प्लस 6 बट्टा 5 इंटू 2 यहां पे 3 यहां पे 2 2 बट्टा 5 प्लस 3 बट्टा 5 5 2 प्लस 3 तो 5 बाय 5 1 आर एच एस हो गया ठीक है। अब देखिए अब डी नंबर, फोर एक्स माइनस 3 वाई बराबर 18 एक नंबर समीकरण, 4y माइनस 5x बराबर माइनस 7 ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हालांकि देखिए 4x 18 प्लस 3y x बराबर 18 प्लस 3y बट्टा 4 ये तीन नंबर समीकरण हो गया। देखिए 5x माइनस 7y माइनस 4y ठीक है, x बराबर देखिए -7 -4y - -5y तो यहां क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, -7 + 4y - -5 माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 7 + 4y - 5 ये हो गया, ये चार नंबर समीकरण लिख देते हैं, इसको कितना चार नंबर समीकरण। अब देखिए क्या करेंगे, और तुलना करने पर 18 + 3y 7 + 4y - 5 अब गुना कर दीजिए, देखिए 18 36 54 72 90 5 3 15y 7 4 28
प्लस चार चौके 16 वाई, वाई को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, पंद्रह वाई माइनस 16 वाई, 28 माइनस 90 माइनस वाई, देखिए 2 तो 7 8, 8 में से 2 गया तो 6, वाई बराबर 62, वाई बराबर 62 निकल गया। वाई बराबर 62, तो अब देखिए क्या करेंगे, मान रख देंगे वाई का मान समीकरण करण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, देखिए एक्स बराबर 18 प्लस 62 गुने 3 गुने 62, तो ये बात ही होता 4, 18 देखिए प्लस 3 दुने 6, 36 18, 8 6 14 हाथ बढ़ल 1, 8 1 9 9 1 10 4 5 51, एक्स बराबर 51 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या कीजिएगा, सेम इसको इस पर रख दीजिएगा और जैसे तुलना करके बताए हैं उसी प्रकार संतुष्ट है कि है नहीं वो सिद्ध कर दीजिएगा, वो मैं छोड़ देता हूं संतुष्ट के लिए, वही जो मैं बताया हूं 2-3 समीकरण में उसी प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखिए अगला दिन जो है हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे।